जय श्री राम, जय श्री राम। रामधन भाई जी, आप अपना आपका नाम क्या है? रामधन। रामधन जी। अच्छा अच्छा आपका अपना पता एवं मोबाइल नंबर क्या है? पहले तो शुभ नाम था धनंजय, लेकिन वह छल कपट से भरा हुआ था, इसलिए वो नाम गलत था। अच्छा अच्छा अभी संत जी का बात विचार से हाँ ये मन पवित्र हुआ। अच्छा अच्छा इसलिए अपना शुभ नाम रामधन जी। अच्छा अब ये बताइए रामधन जी जी कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी से आपका मुलाकात कितने समय से हुआ है? 2 महीना 6 दिन से है, परंतु लगता है कि जन्मों से है। अच्छा अच्छा आपके विचार में जब जब से मिले ज्ञान प्रकाश जी से क्या परिवर्तन हुआ? बहुत परिवर्तन हुआ। जब से मिले हमारा मन असाध्य मानसिक रोगों से जकड़ा हुआ था, लालच क्रोध घमंड ईर्ष्या जलन द्वेष भरा पड़ा था, अब जाके मन शुद्ध हुआ, ये छल कपट ये सब नहीं रहा, मन शुद्ध हुआ। तो क्या आपको लगता है कि धरती पर ऐसा एक भी संत नहीं है? नहीं, धरती पर ऐसा एक भी संत नहीं है, परंतु स्वामी डॉक्टर ज्ञान प्रसाद जी का उदय हो चुका है। ऐसे परम संत डॉक्टर स्वामी ज्ञान प्रकाश जी का उदय हो चुका है, जो धरती पर स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। हमको ऐसा अनुभव है कि जैसे सूर्य चंद्रमा के वजह से पूरा धरती प्रकाशमय है, वैसे ही स्वामी ज्ञान प्रकाश जी के द्वारा सभी धरातल पे सुख समृद्धि सबका विचार शुद्ध हो जाएगा। ये धरती पर सतयुग की स्थापना बहुत जल्द हो सकता है, इसमें कोई संभव इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे तो पूरा विश्वास है कि डॉक्टर ज्ञान प्रकाश के सम्मुख विश्व सम्मुख हो तो सतयुग की स्थापना हो सकती है, और आपका क्या विचार है? हमारा भी यही विचार है, जी हाँ हो सकता है, एक साथ पूरा विश्व डॉक्टर स्वामी ज्ञान प्रकाश जी के सामने सम्मुख हो तो सतयुग की स्थापना अति शीघ्र संभव है। धन्यवाद। जय श्री राम। तीन बार।